अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज मैं आपके साथ सुबह ही सुबह बहुत अच्छी सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज बहुत ही अच्छा मौसम है तो आज बहुत ही अच्छी रेसिपी बनने जा रही है, जिसके लिए हमने ले ली हैं 6 अदद स्लाइस ले ली हैं और हमने ले लिए हैं जी 3 एग ले लिए हैं। इनको भी मैंने बीट नहीं किया। इसमें मैंने डाला है जी नमक हसबे जायका, आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकती हैं। मैंने हाफ हाफ स्पून ले लिया है इसका, मसाला भी ले लिया है, ब्लैक पेपर भी है जी, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर भी ऐड कर लिया है और ज़ीरा भी ऐड कर लिया है। अब इनको अच्छे से फेंट लेंगे हम। आज मैं आपके साथ सैंडविच की रेसिपी भी शेयर करूँगी और स्लाइस भी तैयार होंगे बहुत ज़बरदस्त सी। मैंने इसके लिए मैच पराठोस ले लिए हैं, इनमें चिकन भी ऐड है, वेजिटेबल्स भी ऐड है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर आपको अपलोड मिल जाएगी, तो आप स्लाइस के किनारे कट भी कर सकती हैं। मैंने 2 स्लाइस के किए हुए हैं, बाकी के मैंने नहीं किए, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। मैं ऐसे ही इनको तैयार करूँगी। सबसे पहले हमने एक बाउल में पानी ले लिया है, ये पानी ठंडा नहीं है ना ही गर्म है, रूम टेम्परेचर का है। इसमें हल्के से आपने अपने स्लाइस को दोनों साइडों से, ज़्यादा नहीं करने, दोनों साइडों से इस तरह से डिप कर लेना है। अब आपने अपने हथेली पे रख के इनको हल्का सा ऐसे दबाना है, बिल्कुल लाइट सा। अब आपने दूसरे को भी फुल डिप नहीं करना, बस आप किनारे से डिप कर लें, क्योंकि हमारी ब्रेड पहले ही मिल्की है, अगर हमने पूरी की तो ये टूट जाएगी। ये देखिए, सिर्फ किनारे मैंने किए हैं, फिर हल्का सा इनको आपने प्रेस कर देना है, बिल्कुल लाइट सा। देखिए, अब मैं इसके ऊपर ये पराठो और चिकन इस तरह से सेपरेट कर रही हूँ। इसके भी मैंने इस तरह से ओनली किनारे चारों तरफ से डिप कर ली हैं। अब आप इसको अपने हाथ से ही अच्छे से प्रेस कर लें। देखिए, आप चाहे तो ईजली इसके किनारे आउट भी कर सकती हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, आसानी से हो जाते हैं। फर्स्ट सैंडविच की तरह मैं बाकी के दोनों सैंडविच को भी इस तरह से रेडी कर चुकी हूँ। अब मैं इसको फ्राई का अमल आपको दिखाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही क्विक और इसी तरीके से हमारे सैंडविच तैयार हो जाते हैं। मैंने अब फेंटे हुए एग में इनको बहुत डिप कर लें, बहुत ही आसानी से चारों कोनों पे और पूरा इसको डिप कर दें। तवे को मैंने पहले ही सही ऑयल डाल के गर्म किया हुआ था, आप आराम से आप इसको तवे पे रख दें। अब मैं सेकंड को भी इसी तरह से डिप कर रही हूँ एग में। पहले आप किनारे कर लें बहुत अच्छे तरीके से, फिर लाइट सा इसको दरमियान से कर लें। जब मैं इसको भी तवे पे रख देती हूँ ऑयल में, अब इनको ईजिली पलट लेते हैं हम। मैंने अब आँच को हल्का कर दिया, ये डार्क ब्राउन हो चुका है और ये लाइट ब्राउन, हमें लाइट ब्राउन ही अच्छे लगते हैं और डार्क ब्राउन भी बहुत ही टेस्ट इनका ज़बरदस्त आता है। अब मैं इनको यहीं ही आपको कटिंग का तरीका बता दूंगी। अब हमारे सैंडविच यहीं पे ही कटिंग हो रहे हैं, आप चाहें तो पहले भी इस तरह से कटिंग करके इनको एग लगा के फ्राई कर सकती हैं। मैं इधर ही कर लेती हूँ इनको, बहुत आसानी से ये हमारे सैंडविच तैयार हो जाते हैं, बहुत ही झटपट से, क्विक से, और बहुत ही ईजी रेसिपी है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। ये देखिए, हमारे सैंडविच तैयार हो चुके हैं। अब हम सेकंड को भी हम इसी शेप में कट कर लेंगे। अब ये हमारा सेकंड सैंडविच भी बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। देखें, अब ये देखें, हमारे दोनों सैंडविच रेडी हो चुके हैं ज़बरदस्त से, बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे सैंडविच रेडी हो चुके हैं। ये लें, इनको अब मैं उतारने लगी हूँ। इसी तरह से मैं अब इनको तवे से निकाल ली है। आप इनको केचप के साथ भी सर्व कर सकती हैं और इनको टी के साथ भी।
बहुत ज़बरदस्त से हमारे स्नैक्स रेडी हो चुके हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर इनको ट्राई करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर रिव्यू दीजिएगा मुझे आपके। एक और सैंडविच को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब ज़बरदस्त से हमारे ये भी रेडी हो चुके हैं। को भी मैं आप डिश आउट कर रही हूँ, बहुत ही झटपट हमारे ये सैंडविच तैयार हो चुके हैं। दो स्लाइस को आप थोड़ा गर्म कर लें दोनों साइडों से और बाकी का जो एग है मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो पलट लिए, मैं बहुत कम ऑयल यूज़ करती हूँ तो बहुत कम ऑयल भी मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब बहुत ही अच्छा सा हमारा सिंपल सा ये सैंडविच तैयार हो जाएगा। हमारा सिंपल सा सैंडविच रेडी हो चुका है, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। हमारे बहुत ज़बरदस्त से हमारे सैंडविच तैयार हो चुके हैं। एग सैंडविच भी रेडी हो चुका है और पोटैटो चिकन सैंडविच भी रेडी है। आप इनको केचप के साथ भी यूज़ करें और साथ टी भी बना लें। हमारे ज़बरदस्त से स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल के आइटम को भी दबा दीजिएगा। शुक्रिया।